नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली चैनल पर आप सभी का स्वागत दोस्तों। ओके, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है दोस्तों, मेरे द्वारा डेली इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर जो कक्षा ली जाती है मित्रों, वो कक्षा आपकी शुरू कर दी गई है। सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए दोस्तों, और आप लोग बता दीजिए आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही, एक बार कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए, जिससे मैं अपनी क्लास को शुरू कर सकूँ। देखो मित्रों, आज अपन प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले। ओके, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आज अपना कंप्लीट होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। ओके, उसके बाद अपना अगला टॉपिक चलेगा बेरोजगारी के बारे में। ओके, हर एक टॉपिक्स को अपन बिल्कुल कंटिन्यूस अपन को करेंगे। जैसे अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट किया, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अपन दोस्तों अपन पंचवर्ष राष्ट्रीय आय को टॉपिक्स को कंप्लीट किया। राष्ट्रीय आय के बाद दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं के टॉपिक्स को अपन ने कंप्लीट किया। ओके, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, ओके सभी लोग एक बार आ जाइए मेरे पैर से, सब लोग एक बार जुड़ जाइए जिससे अपन कक्षा को शुरू कर सके। मेरे को कमेंट करके जवाब दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं दे रही। ओके, एक बार कमेंट जरूर करना दोस्तों, आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है नहीं दे रही, यस या नो। ओके, चलो मित्रों आ जाइए। ओके सर, आप पर सर ऐप पर पर्टिकुलर अपलोड नहीं है लास्ट दो क्लास। क्यों भाई अपलोड क्यों नहीं है? अपलोड है ना, पूरी अपलोड है ऐप पर, दोनों क्लास अपलोड है। राम यादव बेटा अपलोड है यार, ऐसे कैसे करोगे अपलोड? बिल्कुल अपलोड है क्लास को, ऐसे कैसे बात करो? ऐप पर सारी क्लासें अपलोडेड है। ओके, सारी क्लासें अपलोडेड है ऐप पर, सारी क्लास प्रोबेबिलिटी की दोनों क्लासें अपलोड है। ठीक है, ऐप पर प्रोबेबिलिटी की क्लास अपलोडेड नहीं है लास्ट टू क्लास। बेटा राम यादव दोनों क्लास अपलोडेड है, आप देखो ढंग से मेरे सामने, मैं ऐप खोल के बैठा हूँ। 28 नंबर का वीडियो और 29 नंबर का वीडियो अपलोड है, बिल्कुल 28 और 29 नंबर के वीडियो अपलोड है, मैं आराम से चला भी रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए मित्रों आज अपन प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स को खत्म करने वाले, ये टॉपिक्स आज अपना कंप्लीट होने वाला है मित्रों, आज अपना टॉपिक्स कंप्लीट होने वाला है। ओके चलो आगे, चलिए मित्रों देखिए, अब तक की कक्षा में दोस्तों मैंने आपको निर्धनता या प्रोबेबिलिटी किसे, ओके सर आई विल चेक, ओके मित्रों मैंने आपको निर्धनता का टॉपिक्स आपको पूरा करा दिया था, निर्धनता के कारण बता चुका था। निर्धनता के मापन दो प्रकार से, एक होती सापेक्ष होती है और एक होती निरपेक्ष। सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं ये समझा चुका था, उसमें लॉरेंज वक्र क्या था, गिन्नी गुणांक वक्र क्या था। ओके, उसके अलावा दोस्तों निरपेक्ष निर्धनता किसे कहते ये बता चुका था, और भारत में निरपेक्ष निर्धनता के मापन के लिए कौन कौन सी समितियां बनी थी, जिसमें से तीन समितियां मैं बता चुका था। एक तो रत्न दांडेकर, देखो कल की कक्षा में दोस्तों आप लोगों को मैंने रत्न दांडेकर समिति के बारे में बता दिया था। ओके, वाई के अलग समिति के बारे में बता दिया था, और उसके बाद दोस्तों लखनवाला समिति के बारे में भी आपको डिटेल में चर्चा कर चुका था, और आपको एक एक बातें आप लोगों को कवर करके मैं समझा चुका था। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और ये सारी बातें आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। ओके, अब चलते मित्रों, आज अपन बात करेंगे रंगराजन समिति के बारे में। देखो आज अपन बात करेंगे दोस्तों, चौथी समिति है दोस्तों भारत में निरपेक्ष निर्धनता के मापन करने के लिए जो समिति बनी थी। अब सुनिए मेरी बात को ढंग से, वर्ष 2004-05 में भारत में निरपेक्ष निर्धनता का मापन करने के लिए सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? गठन किया गया था 2004-05 में, जिसमें सुरेश तेंदुलकर ने क्या किया मित्रों, निर्धनता के मापन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के रूप में बताया, जिसको बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। क्या कहा गया? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहा गया, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के रूप में उसे अंक। ओके बताया, ओके तो मित्रों मैंने क्या कहा, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के रूप में आधार के तौर पर बताया। ओके, और ये कहा कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, अगर वो 816 रुपए हर महीने अपने उपभोग पर खर्च कर पाता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, और यदि वो शहरी क्षेत्र का है और 1000 रुपए प्रति माह उपभोग कर पाता है तो गरीब नहीं माना जाएगा। सुनिए मित्रों, देखो सुरेश तेंदुलकर ने निर्धनता के मापन के लिए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को आधार के तौर पर बताया, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को निर्धनता के आकलन के लिए सुझाव दिया, और ये कहा कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, अगर हर महीने 816 रुपए
हर महीने 816 रुपए अगर वो कंज्यूम कर पाता है, हर महीने 816 रुपए अगर वो कंज्यूम कर पाता है तब तो गरीब नहीं माना जाएगा, अन्यथा उसे गरीब कहा जाएगा। और यदि शहरी क्षेत्र में निवास करता है तो 1000 रुपए अगर वो खर्च कर लेता है तब तो गरीब नहीं होगा, अन्यथा उसे गरीब माना जाएगा। कितनी प्यारी बात की। अच्छा, ये मंथली आधार पर बताया। कई बार दोस्तों एग्जाम में तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर डे के आधार पर, कि भाई साहब सुरेश तेंदुलकर ने निर्धनता का आकलन करने के लिए प्रतिदिन मासिक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग में कितना बताया। तो आप लोग 816 में 30 का भाग दे सकते हो और 1000 रुपये में 30 का भाग दे सकते हो, इससे आपका पर डे के हिसाब से आकलन हो जाएगा। तो मित्रों मैंने क्या किया, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में जब भारत सरकार के द्वारा NSSO के द्वारा निर्धनता का आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया, तो तेंदुलकर समिति ने निर्धनता के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के तौर पर बताया और NSSO को यह सुझाव दिया, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है और वो 816 रुपए अगर खर्च कर लेता है, 816 रुपए खर्च कर लेता है तब तो निर्धनता की श्रेणी में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर 816 रुपए भी वो खर्च नहीं कर पाता है तो उसे गरीबी की रेखा में शामिल किया जाएगा। यानी एक प्रायोरिटी लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी और कह दिया कि 816 रुपए तक अगर कोई व्यक्ति अगर इससे कम खर्च कर रहा है तब तो BPL परिवारों में होगा, और यदि इससे ज़्यादा खर्च कर पा रहा है तो उसे गरीबी रेखा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात तो कौन से क्षेत्र के लिए बताई, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और यही बात शहरी क्षेत्र के लिए कितने रुपये बताए, 1000 रुपये बताए। बताओ मैं तो तेंदुलकर समिति की बात समझ में आई या नहीं आई। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में निरपेक्ष निर्धनता के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के रूप में लिए जाने का सुझाव दिया, और ये कह दिया गया कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है अगर वो हर महीने 816 रुपए अपने ऊपर खर्च कर लेता है तब तो निर्धनता की श्रेणी में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर 816 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता है तो उसे गरीबी की रेखा में शामिल किया जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यदि शहरी क्षेत्र की बात करें, अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो 1000 रुपए तक अगर वो खर्च कर पाता है तब तो गरीब नहीं होगा। मित्रों अगर 1000 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता है तो उसे गरीबी की रेखा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ये सुझाव किस समिति ने दिया, तेंदुलकर समिति के द्वारा दिया गया। अब देखो कितनी मजेदार बात है, इसका मतलब क्या है मित्रों, भारत में देखो कितनी बड़ी बात दुविधा है। इसका मतलब यह है, जैसे मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है, अगर वो 815 रुपए खर्च करता है हर महीने, और बी नाम का व्यक्ति है जो 100 रुपए खर्च करता है दिन में 200, तो बताओ मित्रों महीने में, तो दोनों को ही गरीबी रेखा में शामिल किया जाएगा, अर्थात ये भी निर्धनता की श्रेणी में शामिल होगा तो ये भी निर्धनता की श्रेणी में शामिल होगा, चाहे इनके बीच में कितना ही डिफरेंस क्यों ना हो। भारत में यही तो आता है, क्योंकि निरपेक्ष निर्धनता में डिफरेंस को देखा ही नहीं जाता, इसका मतलब दोनों को ही एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, दोनों को ही दोस्तों गरीबी की रेखा के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। ये बात किस समिति ने कही, तेंदुलकर समिति के द्वारा कही गई। ओके, एक बार थम्स अप कर दो कि सर हाँ ये बात हमको समझ में आ गई और हमने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को हमने समझ लिया। अब चलते दोस्तों एक नोट क्या है कि जब तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर, तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2008-09 में दी थी, ओके, और जब तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर NSSO के द्वारा, किसके द्वारा, NSSO के द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का आकलन किया गया, तो भारत में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। 21.9% जनसंख्या दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे पाई गई जब तेंदुलकर समिति के आंकड़ों के आधार पर NSSO ने निर्धनता का आकलन किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% गरीब पाए गए और शहरी क्षेत्रों में 13.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया, यानी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को आधार मानकर जब भारत में निर्धनता का आकलन किया गया, भारत में निर्धनता की गणना की गई NSSO के द्वारा, तो हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, ओके, हुआ क्या कि 2011-12 में भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे,
जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% और शहरी क्षेत्र में 13.7% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करें। अब आप खुद सोचो मित्रों कि लोगों के पास 816 रुपए भी खर्च करने के लिए है ही नहीं, मतलब इतने। अब आप बताओ दोस्तों, अगर ये आंकड़े थोड़े ज्यादा होते तो पता लगता दोस्तों भारत की 200 आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीबी के नीचे ही जीवन यापन कर रही है। यानी जब तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को बेस मनाकर या इसको आधार मानकर आंकड़े इकट्ठे किए तो भारत की ओवरऑल जनसंख्या 21.9% लोग निर्धनता के नीचे जीवन यापन कर रही थी, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% और शहरी क्षेत्र में 13.7% लोग गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, वर्ष 2012-13 में भारत में निर्धनता का मापन करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया। ओके दोस्तों, थम्स अप करते, समझ आ गया, रंगराजन समिति का गठन किया गया। ओके, जिसमें निर्धनता के मापन हेतु प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को ही आधार बताया। यानी रंगराजन ने कहा कि तेंदुलकर समिति का तो दिमाग हो गया खराब कि इतने से कम रुपए में भी कोई निर्धनता का आकलन होता है क्या। तो रंगराजन समिति ने कहा कि नहीं, तेंदुलकर समिति के आंकड़े सही नहीं है, इस आधार पर निर्धनता का आकलन नहीं हो सकता। तो रंगराजन समिति का गठन किया गया 2012-13 में और रंगराजन समिति ने भी भारत में निर्धनता का आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के तौर पर बताया मित्रों, के प्रति व्यक्ति आधार के तौर पर बताया किसने, रंगराजन समिति के द्वारा। और रंगराजन समिति ने अपने आंकड़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है, अगर वो 972 रुपए तक खर्च कर लेता है। अब देखो मित्रों हुआ क्या, देखो तेंदुलकर समिति ने कहा 816, रंगराजन समिति ने उसको बढ़ाकर कितना बता दिया 972। तेंदुलकर समिति ने कहा 1000 रुपए, इसको बढ़ाकर 1400 कर दिए 7 रुपए। ओके, ये कर दिया ग्रामीण क्षेत्र में और ये कर दिया शहरी क्षेत्र में, मतलब आंकड़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया किस समिति ने, रंगराजन समिति ने। तो रंगराजन समिति ने भी भारत में निर्धनता का आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को ही आधार के रूप में बताया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तो 972 रुपए अगर वह खर्च कर लेता है तब तो गरीबी नहीं, यानी वो अपने उपभोग व्यय पर, अगर वो मंथली उपभोग व्यय पर अगर 972 रुपए खर्च कर लेता है तब तो गरीब नहीं होगा, और यदि शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए खर्च कर लेता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। अब आ जाओ मजेदार बात बताओ, जब रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर वापस से NSSO ने 2011-12 के आंकड़ों में संशोधन किया तो पता लगा दोस्तों कि भारत की 29.5% आबादी गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रही थी, जबकि तेंदुलकर समिति के आधार पर कितनी थी 21.9% और रंगराजन समिति के आधार पर 29.5% जनसंख्या गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये सारे आंकड़े तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी 30.9% और शहरी क्षेत्रों में 26.4% आबादी गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रही थी। मेरी बात समझने की कोशिश करना मित्रों, देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, वापस से समझाता हूँ मित्रों। ओके, अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर एक तो थी तेंदुलकर समिति, देखो एक तो थी तेंदुलकर समिति और तेंदुलकर समिति की आलोचना की रंगराजन समिति ने। ओके, दोनों ने ही भारत में निर्धनता का आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के तौर पर बताया। ओके, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के तौर पर बताया। ओके, बस कहा क्या, यहां पर मैं ग्रामीण क्षेत्र लिख देता हूं, यहां पर मैं शहरी क्षेत्र लिख देता हूं, बस फर्क है तेंदुलकर समिति ने 816 रुपए बताए और रंगराजन ने 972 रुपए बता दिए। तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए बताए जबकि रंगराजन ने 1407 बताए। जब तेंदुलकर समिति के आधार पर आकलन किया गया कब, 2011-12 में, तो भारत की कुल आबादी का 21.9% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था, और जब रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोबारा से आंकड़े जांचे गए तो 29.5% आबादी गरीबी रेखा के नीचे क्या कर रही थी, जीवन यापन कर रही थी। अर्थात दोनों ही समितियों ने भारत में निर्धनता का आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के तौर पर लिया।
अब अपने घर आ जाओ मित्रों। देखो मित्रों, भारत में है निरपेक्ष निर्धनता, और निरपेक्ष निर्धनता का आकलन करने के लिए समय समय पर समितियां बनी थी। सबसे पहली समिति 1971 में बनी थी, रत्न डांडेकर समिति, जिसने कैलोरी को आधार के तौर पर लेने का सुझाव दिया था, और इसने 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आधार के रूप में लिए जाने का सुझाव दे दिया। फिर आते हैं दोस्तों वाई के अलग समिति, उसने भी कैलोरी को आधार के तौर पर लिए जाने का सुझाव दिया, बस ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लिए जाने का सुझाव दिया, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लिए जाने का सुझाव दिया। फिर आई 1989 में लखड़वाला समिति, लखड़वाला समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार के तौर पर लिए जाने का सुझाव दिया, और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार के तौर पर लिए जाने का सुझाव दिया। 2004-05 में दोस्तों तेंदुलकर समिति बनी, तेंदुलकर समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के तौर पर लिए जाने का सुझाव दिया, और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये का ये कहा कि अगर कोई गांव का व्यक्ति है 816 रुपये अगर अपने खाने पीने कंज्यूम पर खर्च कर लेता है तब तो गरीब नहीं होगा, अन्यथा उसे गरीबी रेखा में शामिल किया जाएगा। ओके, और यदि वही व्यक्ति अगर शहरी क्षेत्र का है तो 1000 रुपये। फिर इन आंकड़ों में संशोधन किया 2012-13 में रंगराजन समिति ने भी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के तौर पर लिए जाने का सुझाव दिया, और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये लिए जाने का सुझाव दे दिया गया। ये 6 समितियां बनी, 5 समितियां आप लोगों को बता दी। अब देखो उसके बाद लास्ट की जो समिति बनी थी मित्रों वो थी 2015-16 में। 2015-16 में दोस्तों क्या हुआ, भारत में निर्धनता का मापन करने के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, क्योंकि वर्तमान उपाध्यक्ष तक कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार है, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 14 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया, और ये समिति अपनी रिपोर्ट 2000 अंत तक उपलब्ध कराएगी। हालांकि इस समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि दोस्तों सरकार को ये कह दिया कि भारत में निर्धनता का आकलन नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात भारत में निर्धनता के आकलन करने पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि भारत में निर्धनता का आकलन करने का मतलब है भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रही है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ अब वर्तमान में निर्धनता / गरीबी की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती, यानी कोई रिपोर्ट 2011-12 के बाद तक अब तक कोई रिपोर्ट आई नहीं। दोस्तों ये सारे आंकड़े 11-12 के ही आपको याद रखने पड़ेंगे अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो। फिर दोस्तों मैंने आपको सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता में अंतर भी आपको समझा दिया था कि सापेक्ष निर्धनता एक तुलनात्मक अध्ययन होता है जिसमें देश की इनकम को देश की निम्न स्तर की जनसंख्या में कैसे बांटा जाता है उस बात की तुलना की जाती है, जबकि निरपेक्ष निर्धनता एक व्यक्ति परक अध्ययन होता है जिसमें दोस्तों निर्धनता का मापन एक व्यक्ति के आधार पर या एक परिवार या एक समाज के आधार पर किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता में आय की विषमता का मापन किया जाता है, यानी आय की विषमता का मापन किया जाता है और ये कहा जाता है कि आय की समानता व असमानता को दर्शाया जाता है, जबकि निरपेक्ष निर्धनता में निर्धनता का मापन व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकता की वंचना या आधार पर किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता, उसको प्रॉपर तरीके से कैलोरी मिल पाती या नहीं मिल पाती, वो अपने ऊपर उपभोग पर खर्च कर पाता है या नहीं कर पाता, इस आधार पर निरपेक्ष निर्धनता का आकलन किया जाता है। ओके, सापेक्ष निर्धनता का मापन विकसित देशों में होता है मेरे प्यारे साथियों के, सापेक्ष निर्धनता का मापन विकसित देशों में होता है, जबकि निरपेक्ष निर्धनता का मापन जो होता है वो सामान्य विकासशील देशों में किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन के लिए दो विधियां थी, एक लॉरेंज वक्र विधि थी जिसका प्रतिपादन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, कब हुआ था 1905 में, और एक गिन्नी गुणांक थी जिसका प्रयोग 1912 में किया गया था, जबकि निरपेक्ष निर्धनता के मापन करने के लिए समय समय पर समितियों का गठन किया गया था। ओके, अब चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। अब देखो आज अपन निर्धनता खत्म करेंगे, निर्धनता खत्म हो गई तो अब देखो निर्धनता के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पॉइंट नंबर एक, भारत में सबसे पहले निर्धनता का आकलन वर्ष 1967-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सबसे पहले निर्धनता का आकलन 1967-68 में हुआ था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। एक पॉइंट अपना क्लियर। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले निर्धनता का आकलन जो है वो बी एस मीनांस के द्वारा किया गया था।
यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता का आकलन बीएस मिनांस के द्वारा किया गया और वर्तमान में भारत में निर्धनता का आकलन प्रति 5 सालों में एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है और वो भी किसके आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर। लेकिन अब आप समझ चुके होंगे सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मर्ज करके एक नई संस्था एनएसओ का गठन कर दिया गया, तो अब निर्धनता का आकलन अगर कभी होगा तो एनएसओ के द्वारा किया जाएगा। ओके, नेशनल सैंपलिंग नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा और वो भी उपभोग व्यय के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? उपभोग व्यय के आधार पर किया जाएगा। यानी वर्तमान में भारत का निर्धनता का आकलन जो है वो प्रत्येक 5 सालों में दोस्तों किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा किया जाएगा। हालांकि अब निर्धनता का आकलन होता ही नहीं है। ओके, फिर मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि विश्व स्तर पर निर्धनता का आकलन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। विश्व स्तर पर निर्धनता की जो आकलन होता है या निर्धनता की जो रिपोर्ट जारी होती है वो रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जो निर्धनता का मापन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो निर्धनता का आकलन जो है किसके आधार पर करता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर करता है। यानी वर्ल्ड बैंक जो होता है वो निर्धनता का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। वर्ष 2011-12 में विश्व बैंक ने जब भारत में निर्धनता का मापन किया था तो $1.90 प्रति व्यक्ति आय को दोस्तों आधार के तौर पर लिया था। यानी दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पर डे $1.90 कमाता है, अगर उसकी प्रति व्यक्ति आय होती है, तब तो गरीब नहीं होगा, अन्यथा वो गरीब माना जाएगा। देखो सुना मित्रों, इसका मतलब $1.90 का मतलब समझ दो पर डे के लगभग लगभग हो गए ₹150 दोस्तों, पर डे के ₹150। तो पर डे के ₹150 अगर कोई इनकम कमाता है तब तो वो गरीब नहीं होगा, अन्यथा गरीब होगा। अब आप बताओ मित्रों, अपने तेंदुलकर भाई साहब ने तो क्या कह दिया, महीने के ही ₹816 बताए, महीने के ₹816 बताए, तो भारत में 21.90% लोग गरीब थे। अब आप बताओ वर्ल्ड बैंक अगर ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की पर डे $1.90 इनकम होती है तब तो गरीब नहीं है, अन्यथा गरीब है। तो आप बताओ भारत के अंदर लगभग 79.2% लोग गरीब थे दोस्तों। अब आप बताओ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर लगभग देश के 80% जनसंख्या वो है वो गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रही है। किसके नीचे? गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रही है। आप बताओ इतने, तभी तो दोस्तों भारत सरकार ने कहा कि भारत में निर्धनता का आकलन करना क्या कर दो, बंद कर दो, क्योंकि भारत में तो हर कोई आदमी गरीब है। अगर इन आंकड़ों के आधार पर हम रिपोर्ट जारी करने लग गए तो देश के अंदर तो हालात खराब है, हर कोई गरीब है। क्यों? क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों? गरीब तो दोस्तों मतलब एक तो टोमक करना क्या बोलते हैं उसको, आलोचना करने में ही रह जाता है, वो कभी काम नहीं कर पाता, इसलिए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अब आप खुद सोचे मित्रों, अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर अगर आज अपन जन बेरोजगारी को देखें तो भारत में दोस्तों अधिक से अधिक लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो मित्रों मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले निर्धनता का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया, स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता का आकलन बीएस मिनांस के द्वारा किया गया, वर्तमान में निर्धनता का आकलन जो है वो एनएसएसओ जो वर्तमान में एनएसओ में बदल गया वो 5 सालों के आधार पर करता है, हालांकि वर्तमान में निर्धनता का आकलन होता ही नहीं है, और विश्व स्तर पर निर्धनता का आकलन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया जिसने निर्धनता का मापन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया और बताया कि अगर एक व्यक्ति की $1.90 प्रतिदिन आय होती है तब तो गरीब नहीं होगा, अन्यथा गरीब माना जाएगा। और जब 2011-12 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भारत में निर्धनता का अनुपात ज्ञात किया गया तो 79.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पाए गए। ओके, फिर मैं बात करता हूं दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता के बारे में क्या क्या कहा गया, चलिए मित्रों देखते जाते हैं। देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 तक बनी थी, जो एक साल पहले खत्म हो गई थी, पता आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी निवारण पर सबसे पहले बल दिया गया था और जुलाई 1975 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पहला पॉइंट क्लियर, यानी भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उन पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता को लेकर क्या क्या कहा गया सुनिए। पांचवी योजना में तो गरीबी निवारण पर सबसे पहले बल दिया गया था
और जुलाई 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी, इंदिरा गांधी हट चुकी थी। ये बात मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं में समझा चुका। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में निर्धनता और निर्धनता और गरीबी के बारे में सबसे पहले कब आवाज उठाएगी, तो सबसे पहले पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण पर बल दिया गया था, और जुलाई 1975 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। फिर आता है दूसरा पॉइंट, ओके। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 1985 के दौरान बनी थी, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर क्या दिया गया, बल दिया गया था, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर बल देना ही थी। और देश में पहला गरीबी निवारण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 में बना था, जिसका नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य का दोनों का था, जिसमें केंद्र का 60 और राज्य का 40% हिस्सा था। बाद में इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया। यानी दोस्तों मैंने क्या कहा, सुनिए मित्रों, मैंने समझाया कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर बल देने पर बात कही गई, और देश का पहला गरीबी निवारण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को बना था, जिसका नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे 1 अप्रैल 1999 में भारत सरकार ने क्या किया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मर्ज कर लिया। ओके, दो बातें हो गई। तीसरी बात, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1992 से 1997 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धनता अनुपात को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया कि गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बारहवीं योजना में दोस्तों निर्धनता के अनुपात को 10% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में केवल और केवल पांचवी, छठी, आठवीं और बारहवीं योजना में निर्धनता के बारे में कहा गया, अन्यथा किसी भी योजना में निर्धनता के बारे में ज्यादा कुछ बोला ही नहीं गया, कि गरीबों पर ध्यान देने की बात ही नहीं आई मित्रों। यानी गरीबों पर तो ध्यान देना ही बंद कर दिया, केवल पांचवीं योजना, छठी योजना, आठवीं योजना और बारहवीं योजना में केवल और केवल दोस्तों गरीबी के बारे में कुछ बिंदु रखे गए। पांचवीं योजना में गरीबी निवारण पर बल देने की बात कही गई, छठी योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर बल देने की बात कही गई, आठवीं योजना में गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, और बारहवीं योजना में गरीबी के अनुपात को 10% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया, जो कितना था, 21.9% था तेंदुलकर समिति के आधार पर। यानी तेंदुलकर समिति के आधार पर जो अनुपात 21.9% था, कब, 2011-12 में, जबकि बारहवीं योजना कब बनी थी, 2012 से लेकर 2017 तक, उस समय सरकार ने कहा था कि गरीबी के अनुपात को, निर्धनता का अनुपात को 10% तक घटा दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मित्रों। बताओ मित्रों, यहां तक चीज समझ में आई नहीं है, यस या नो? ओके, समझ आ गया। अब चलते आगे, देखो निर्धनता का मापन करने की विधियां। भाई साहब, निर्धनता के मापन करने की तीन विधियां होती है, जो आपको किताबों में तो कहीं मिलेगी नहीं। देखो निर्धनता का मापन करने की तीन विधियां होती है। एक होता है यूआरपी, इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। इस विधि में क्या होता है, जो एनएसएसओ है, एनएसएसओ, हालांकि अब तो एनएसएसओ है ही नहीं, एनएसएसओ खाद्य पदार्थों के 30 दिनों के सर्वे के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का क्या करता है, आकलन करता है। ओके, क्या करता है, आकलन करता है। यानी एनएसएसओ खाद्य पदार्थों के 30 दिनों के सर्वे में देखता है कि 30 दिनों तक वो सर्वे करता है कि लोगों को उपभोग पर वो लोग खर्च कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो उनको गरीबी रेखा में शामिल कर लेता है एनएसओ। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि गरीबी का आकलन कोई एक दिन के आधार पर नहीं होता। मान लो, सपोज करो एनएसएसओ की टीम किसी घर में जाती है और उनसे पूछती है कि तुम आज खाना खाए या नहीं खाए, तो वो कहते हैं कि आज तो हम भर पेट खाना खाए क्योंकि पड़ोस में जीवन था। ओके, लेकिन जब वो अगले दिन किसी दूसरे घर में जाते हैं, वो कहते हैं कि आज तुमने खाना खाया या नहीं खाया, वो कहते हैं कि आज खाना नहीं खाया क्योंकि उनका सोमवार का व्रत था। अब बताओ मित्रों, अगर एक दिन के सर्वे के आधार पर अगर ऐसा हुआ तो पता लगा कि सही आकलन हो ही नहीं पाएगा। तो एनएसएसओ ने सोचा कि नहीं, एक दिन के आकलन के आधार पर कभी भी निर्धनता की रिपोर्ट जारी नहीं होगी, तो यूनिफॉर्म
रिकॉल पीरियड में 200 बार बार रिकॉल किया जाता है और 30 दिनों के उपभोग व्यय का सर्वे करके निर्धनता का आकलन किया जाता है। यानी वो क्या करता है, रैंडमली सैंपल के आधार पर कभी कभार 200 जाता है, सर्वे करता है और पता करता है कि पूछता है कि आप लोगों ने इस महीने कितना खर्च किया, आप लोग खर्च कर पाते हो या नहीं कर पाते, खाने पीने में कितना खर्च हो रहा है, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके ही निर्धनता का आकलन किया जाता है। ओके, एक होता है दोस्तों मिक्स्ड रिकॉल पीरियड जो कि MRP, इसके अंतर्गत क्या होता है कि निर्धनता का मापन जो है वो खाद्य पदार्थों के जो 30 दिनों के आधार पर सर्वे होता है और जो गैर खाद्य पदार्थ है जो टीवी है, जूते है, चप्पल है, कपड़े है, इनके 365 दिनों के उपभोग के आधार पर। ओके, कैसे, सुनिए मित्रों, आप ही बताओ कि अगर NSSO किसी व्यक्ति के पास जाता है, उससे पूछता है भाई साहब तुम चप्पल खरीदी क्या, कपड़े खरीदे क्या, वो कहे खरीदा, फिर 4-5 दिन बाद फिर जाता है बोले चप्पल खरीदी क्या, वो कहेगा भाषा का डेली चप्पल ही खरीदता रहूंगा क्या, तो गैर खाद्य पदार्थों का सर्वे तो 365 दिनों के आधार पर होता है, जबकि खाद्य पदार्थ चाय, चीनी, चावल, आटा, नमकीन वगैरह जो होती है, खाद्य पदार्थों का 30 दिनों का सर्वे होता है। कौन सी विधि में, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के अंदर, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के अंदर ये सर्वे किया जाता है। और एक होता है मित्रों आप लोगों को, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, अब आता है दोस्तों 2011-12 की रिपोर्ट, ये याद रखा आपको, एग्जाम में याद करके जानी है, इनको रट के जाना है। ओके, क्योंकि 2011-12 के बाद निर्धनता की रिपोर्ट आई ही नहीं, तो आपको 11-12 की रिपोर्ट ही आपको याद करनी है, एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, वर्ष 2011-12 के निर्धनता रिपोर्ट में NSSO के 68वें चक्र की रिपोर्ट के तहत भारत में सबसे ज्यादा निर्धनता वाले 3 राज्य, सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, कितनी, 47.9%। अब तुमको सर 11-12 की रिपोर्ट ही याद करनी है क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल 11-12 की ही याद करनी है और आपको याद नहीं करनी, क्योंकि आगे की रिपोर्ट है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा निर्धनता कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़ में, सेकंड नंबर पर मणिपुर और उसके बाद उड़ीसा में। तो भारत के 3 राज्यों की जब बात करूं जहां पर सबसे ज्यादा निर्धनता पाई जाती है, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, तो सर्वाधिक निर्धनता वाले 3 राज्यों में सबसे ऊपर ही ऊपर छत्तीसगढ़ है, जहां पर 47.9% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर मणिपुर है, जहां पर 46.7% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करें, और तीसरे नंबर पर आपका उड़ीसा है, जहां पर 45.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करें। मेरी बात समझ में आ रही है, आप लोग बातचीत करते रहा करो। ओके, तो सबसे ज्यादा निर्धनता जो है छत्तीसगढ़ की है, सेकंड नंबर पर आपके मणिपुर की है, और उसके बाद आपके उड़ीसा की है। ये सबसे ज्यादा निर्धनता वाले 3 राज्य आपके सामने। फिर आता है दोस्तों न्यूनतम निर्धनता, जहां पर निर्धनता का अनुपात सबसे कम है, सबसे कम निर्धनता कहां पर, गोवा, 6.33%। सेकंड नंबर पर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, 10.9%, और उसके बाद आएगा केरल, 11.3%। ओके, तो दोस्तों न्यूनतम निर्धनता वाले राज्यों की जब बात आती है तो गोवा की निर्धनता सबसे कम है, 6.33% है, हिमाचल प्रदेश की निर्धनता 10.9% है, केरल की निर्धनता 11.3% है। तो दोस्तों आपको टॉप लेवल देखो, सबसे ज्यादा निर्धनता अगर आपको याद रखनी है छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, सबसे कम निर्धनता गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल, और अपन है राजस्थान के। क्यों, क्योंकि RS का एग्जाम और SI का एग्जाम कौन कराता है दोस्तों, RPSC कराती है, और RPSC का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में, और अजमेर कहां पर है, राजस्थान में। तो आपको राजस्थान की रिपोर्ट जरूर याद रखनी है। कैसे, तो देखो 11-12 की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का निर्धनता अनुपात में कौन सा स्थान था, 17वां स्थान था, कि राजस्थान 17वें नंबर के आता, राजस्थान की निर्धनता 14.7% रखी गई थी, यानी 102.92 लाख जो व्यक्ति है वो भारत में, राजस्थान में गरीब है दोस्तों। यानी 2011-12 की रिपोर्ट में राजस्थान का स्थान है 17वें नंबर, सबसे ऊपर छत्तीसगढ़, फिर मणिपुर, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, और ऐसे करते करते राजस्थान 17वें स्थान पर आ जाता है। नीचे से गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल आ जाता है, राजस्थान 17वें नंबर पर आता है, और राजस्थान का जो निर्धनता अनुपात है वो 14.7%, यानी 14.7% राजस्थान की आबादी निर्धन है। अगर मैं बात करूँ तो 102.92 लाख व्यक्ति राजस्थान में गरीब है।
जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता 16.05% है मित्रों, जहां पर 84.19 लाख लोग क्या है, गरीब है। ओके, और शहरी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो 10.69% जो है मित्रों, राजस्थान की अगर बात करूं 10.69 की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आ जाएगा यानी 18.73 लाख राजस्थान के गरीब है। ओके, मैंने क्या कहा दोस्तों कि राजस्थान की निर्धनता रिपोर्ट में 17वां स्थान है। ओके, राजस्थान की निर्धनता 14.7% है, परसेंटेज में 14.7 है, और लोगों की बात करें तो 102.92 लाख व्यक्ति राजस्थान में गरीब है। ओके, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का अनुपात 16.05% है, यानी 84.19 लाख लोग व्यक्ति गरीब है, 84.19 लाख व्यक्ति गरीब है, और शहरी क्षेत्रों का निर्धनता अनुपात 10.69% है, यानी 18.73 लाख व्यक्ति क्या है तो गरीब है। ये राजस्थान की रिपोर्ट है जो आपको याद रखनी है। देखो, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा निर्धनता छत्तीसगढ़, फिर मणिपुर, फिर उड़ीसा, सबसे कम निर्धनता गोवा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर केरल, राजस्थान का नंबर आता 17वें स्थान पर। राजस्थान की कुल आबादी का 14.7% लोग गरीब है, यानी 102.92 लाख व्यक्ति राजस्थान में गरीब है। ग्रामीण क्षेत्रों में 16.25% यानी 84.19 लाख लोग है वो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है, और शहरी क्षेत्र में 10.69% यानी 18.73 लाख व्यक्ति क्या है, गरीब है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों आपका